अगर मैं आपसे कहूं कि क्या 140 करोड़ की आबादी वाले इस देश में पौने 2 लाख से भी कम आबादी वाला एक कस्बा 2024 के चुनाव की धारा को मोड़ सकता है तो आप कहेंगे नहीं। अगर मैं आपसे कहूं कि किसी एक रीजनल पार्टी के कार्यकर्ता का महिला के ऊपर किया गया अत्याचार और उसका मुद्दा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के अब तक के सबसे बड़े टारगेट को हासिल कराने में मदद कर सकता है तो भी आप कहेंगे नहीं। और अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा क्या घोटाला कि उसकी वजह से दशकों तक एक ही पार्टी में अटूट विश्वास करने वाली करीब 10 करोड़ जनता जनार्दन का मोहभंग उस पार्टी से हो सकता है तो शायद आप कहेंगे नहीं। लेकिन मैं कहती हूं हाँ, ये सब कुछ संभव है। नमस्कार, मैं हूं अदिति नागर और आज के पॉलिटिकल कॉरिडोर में संदेश खाली के जरिए बात उस पश्चिम बंगाल की जहां की फिजाओं में ही बारूद की बू आती है। वहीं नोबेल पुरस्कार विजेता मदर टेरेसा की कर्मभूमि और रविंद्रनाथ टैगोर और अमर्त्य सेन की जन्मभूमि का गौरव भी है। बात उस पश्चिम बंगाल की जो बदनाम है चुनाव के दौरान हिंसा और हत्या के लिए, तो मशहूर भी है अपनी परंपरा, सभ्यता, संस्कृति और खान पान के लिए, इंटेलेक्ट के लिए। बात उस पश्चिम बंगाल की जहां की जनता ने आजादी के बाद 30 साल तक कांग्रेस का राज किया, अगले 33 साल के लिए लेफ्ट और उसके बाद कांग्रेस से निकली तृणमूल के शासन को उसको मौका दिया। लेकिन जब किसी पार्टी को सत्ता से बेदखल किया तो उस पार्टी का अस्तित्व ही खतरे में आ गया। देखिए, पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीट्स हैं और विधानसभा की 294 सीट्स हैं। पहले बात 2019 लोकसभा चुनाव की, जिसमें तृणमूल कांग्रेस को 22 सीटें मिली जो 2014 से 12 कम थी। बीजेपी को 18 सीटें मिली जो पिछले चुनाव से 16 अधिक थी। आंकड़ों पे गौर फरमाइएगा, आपको पैटर्न समझ में आएगा। कांग्रेस को 2014 और 2019 दोनों ही चुनाव में 2 सीटें मिली। तो 33 साल तक बंगाल में सत्ता चलाने वाली लेफ्ट पार्टियों का खाता भी नहीं खुल पाया। अब यहां इस बात का जिक्र करना बेहद जरूरी हो जाता है कि 2019 में बीजेपी के लिए जितना अहम केंद्र में फिर से प्रचंड बहुमत यानी 303 का आंकड़ा पाना महत्वपूर्ण था, तो उतना ही महत्वपूर्ण पश्चिम बंगाल की 42 सीट्स में से 18 सीट्स जीतना था, उतना ही महत्वपूर्ण। अब देखिए, बीजेपी ने 2019 में पश्चिम बंगाल में अधिक से अधिक सीटें जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और जिसका असर बीजेपी के वोट प्रतिशत में आपको साफ साफ नजर आ रहा है। अब बात 2021 में हुए बंगाल विधानसभा चुनाव की। दरअसल हम आपको पैटर्न दिखाना चाहते हैं जिससे आज की तारीख में तृणमूल कहां खड़ी है, भारतीय जनता पार्टी कहां खड़ी है, क्या प्रयास कर रही है और साथ में कांग्रेस और लेफ्ट उनका क्या भविष्य है। इन पूरे आंकड़े और डिस्कशन से आपको आज की स्थिति साफ हो जाएगी और आने वाले कल की। अब देखिए, इस चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी, क्योंकि हम बात 2021 में हुए विधानसभा चुनाव की कर रहे हैं, तो इस चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल को 215 सीटें जीत में मिली। वो जीत कर 215 सीटों पर काबिज हुए, पिछली बार से 4 अधिक मिली, यानी इसको आप बेहतर परफॉर्मेंस कहेंगे। लेकिन अब आपको बीजेपी का आंकड़ा बताते हैं। बीजेपी को 77 सीटें मिली, यानी 77 सीटों पर जीत हासिल की गई, जो पिछली बार से काफ़ी ज़्यादा था। यानी 77 सीट्स मिली और पिछली बार से 74 अधिक थी, 74 सीटें अधिक। तो आप मार्जिन का डिफरेंस देखिए। यहाँ एक बार फिर ये समझाना ज़रूरी हो जाता है कि जिस राज्य में बीजेपी का ना वोटर था ना कैडर था, वहाँ बीजेपी ने महज 5 सालों में 3 सीटों से 77 सीटों का सफ़र तय किया, ग्राउंड पर काम करके, रणनीति बनाकर, जहां पर उसका ना कोई कैडर था ना कोई काम था। अब आप देखिए बंगाल के मिजाज को इस आंकड़े से समझिए कि जिस लेफ्ट और कांग्रेस ने 63 सालों तक पश्चिम बंगाल पर शासन किया, वहां की जनता ने सीपीएम और कांग्रेस को
एक भी सीटें नहीं दी और इस वजह से विधानसभा नतीजों के बाद बीजेपी की हार में भी जीत थी, तो ममता की जीत में हार दिखाई दी। अब आपको आगे बढ़कर ये बताते हैं कि बीजेपी ने ये सब एक दिन में किया। कई बार लगता है कि आज चुनाव के नतीजे आए और अभी तैयारी हुई, ऐसा नहीं है। बीजेपी ने ये सब कुछ एक दिन में नहीं हासिल किया, इसके पीछे जमीन पर कड़ी मेहनत थी। इसके लिए बीजेपी का पूरा काडर, पार्टी आला कमान की जबरदस्त बैठकें और रणनीति, और दर्जनों मंत्री और आरएसएस ने जमीन पर एरी चोटी का जोर लगा दिया। याद कीजिए आप 2021 का चुनाव, जिसका हम थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे। 2021 का चुनाव जब तकरीबन पूरा का पूरा मोदी मंत्रिमंडल बंगाल चुनाव के लिए कैंप कर रहा था, वहीं इस दौरान बीजेपी के फायर ब्रांड नेता कैलाश विजयवर्गीय, जो मध्य प्रदेश से आते हैं, आलाकमान के करीबी माने जाते थे, बतौर प्रभारी की भूमिका में, और काफी कुछ काम हुआ। हालांकि इसके बाद जिम्मेदारी सुनील बंसल को दी गई। सुनील बंसल के नाम से आप वाकिफ होंगे, ये वही सुनील बंसल हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश के 2017 चुनाव में लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ साथ संगठन खड़ा किया और उनको क्रेडिट भी दिया गया। और लगभग 5 साल जब सरकार चली योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, तब वो संगठन पे जमीनी काम कर रहे थे। अब देखिए, वैसे भी बीजेपी के लिए एक बात कही जाती है कि बीजेपी कभी हारती नहीं है, या तो वो जीतती है या सीखती है। अब देखिए, पश्चिम बंगाल के लिए बीजेपी इस मंत्र पर काम कर रही है। बीजेपी का जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, उसमें हर किला अभेद्य है। साउथ की बात कर लेते हैं, साउथ के राज्यों के साथ साथ पश्चिम बंगाल भी बीजेपी के लिए असंभव जैसा नजर आ रहा था, लेकिन रोज एक 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 स्टेप आगे बढ़ते हुए आंकड़ों के जरिए हमने आपको बताया कि बीजेपी कहां से कहां तक पहुंची। मैदान से बाहर बीजेपी अब मैदान के बीचों बीच खड़ी नजर आ रही है। लेकिन बीजेपी की बेजोड़ रणनीति और प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे की वजह से धीरे धीरे ही सही बीजेपी का दायरा बंगाल में बढ़ता नजर आ रहा है। सबसे बड़ी चुनौती शुरुआत में ये थी कि बंगाल में कोई चेहरा नहीं था भारतीय जनता पार्टी का, और आज भी चेहरे के नाम पे नरेंद्र मोदी ही है, क्योंकि जितने भी पुराने चुनाव हुए वो मोदी बनाम ममता ही रहे, लोकल लीडरशिप नहीं थी, फिर भी संगठन खड़ा किया गया। और आप देखेंगे कि ये चुनावी मौसम में जब टिकटें आ रही हैं, तो कोशिश की जाएगी कि इन्फ्लुएंस करने वाले कद्दावर बड़े नेता, जो भले ही दूसरे राज्य से बिलोंग करते हों, लेकिन उनको पश्चिम बंगाल में उतारा जा सकता है। अब आप देखिए, 2024 चुनाव में बीजेपी के 370 के टारगेट को पूरा करने के लिए बंगाल की 42 सीटें बेहद अहम है, और इस बात को बीजेपी बखूबी समझती है, और आज से नहीं, वो लंबे समय से इसीलिए पश्चिम बंगाल में काम कर रही है। और देखिए, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि भारतीय जनता पार्टी अपना काडर खड़ा करने के लिए लगातार जूझ रही है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसा मैंने आपको कहा कि इस बात से कोई इनकार नहीं किया जा सकता कि महिलाओं के बीच ममता बनर्जी की पकड़ बेहद मजबूत है, तो ऐसे में पश्चिम बंगाल में अधिक से अधिक सीटें जीतने के लिए बीजेपी को ममता का महिला वोट बैंक खिसकाना सबसे जरूरी हो जाता है। संदेश खाली की महिलाओं ने पत्रकारों से कहा, जब तक टीएमसी इनके इन गुंडों का मन नहीं भरता था, तब तक इन औरतों को रिहा नहीं किया जाता था। ये आरोप है जो संदेश खाली की दलित, जनजातीय, मच्छीमार समाज और किसान परिवार की महिलाओं ने मीडिया के वहां पर लोकली पत्रकारों से गुहार लगाते हुए कहा। और अब एक बार फिर आपको 2021 चुनाव पर लौटाते हैं। 2021 विधानसभा चुनाव का प्रचार चल रहा था, ममता बनर्जी नंदीग्राम, ये नाम से आप वाकिफ होंगे और इसकी खबरें और इसके कांड से भी वाकिफ होंगे। ममता बनर्जी नंदीग्राम में थी, और वही नंदीग्राम जहां से निकले एक आंदोलन की आग में लेफ्ट की सत्ता जलकर खाक हो गई थी।
और ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री बन गई। उसी नंदीग्राम में प्रचार के दौरान ममता बनर्जी घायल हुई और उन्हें पैर में प्लास्टर भी लगा, चुनाव प्रचार के दौरान चोट आ गई। बीजेपी ने कहा कि ये ममता का स्ट्रैटेजी है। बीजेपी ने कहा कि ममता सिंपैथी वोट के लिए ड्रामा कर रही हैं और तृणमूल कांग्रेस ने इसे महिलाओं के आत्मसम्मान से जोड़ दिया। और अब उसी महिला के आत्मसम्मान के मुद्दे पर ममता पूरी तरह से घिरती नजर आ रही है। वजह है संदेश खाली, जहां दीदी की पार्टी के एक कार्यकर्ता पर 11 साल तक महिलाओं पर अत्याचार करने का गंभीर आरोप है। स्वाभाविक है कि लोकसभा चुनाव सिर पर है और बीजेपी इसे चुनाव में बड़ा मुद्दा बना रही है। आप देखते हैं रोज इसी पर चर्चा है, रोज आधा घंटा आपको हर जगह एक घंटा इसी मुद्दे पर चर्चा दिखती है। और इसी बात से यह भी समझा जा सकता है कि बीजेपी बंगाल के अंदर सैकड़ों संदेश खाली और शाहजहां शेख की बात लगातार दोहरा रही है। पश्चिम बंगाल में एक और महिलाएं अपने आप को सुरक्षित नहीं समझ रही, दूसरी ओर मीडिया भी असुरक्षित महसूस करता है। संदेश खाली की अत्याचार महिलाओं पर, यह संदेश खाली का संदेश गली गली देश में गया। ममता जी की सरकार में महिलाओं पर अत्याचार, ये संदेश कली का संदेश गली गली गया। संदेश कली में मीडियों पर जिस तरह से अंकुश लगाया गया, उनको गिरफ्तार किया गया, ये निंदनीय है, ये नहीं होना चाहिए। फ्रीडम ऑफ प्रेस को बनाए रखना ये ममता जी की सरकार की जिम्मेदारी है, हर राज्य की सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि कानून व्यवस्था उनकी जिम्मेदारी है। अब मुद्दा है संदेश खाली और शाहजहां, विपक्ष और सरकार के बीच सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट बन चुका है। माना जा रहा है कि जिस महिला अस्मिता के मुद्दे पर ममता बनर्जी ने बीजेपी को 2021 विधानसभा चुनाव में घेरा था, अब उसी मुद्दे को लेकर संदेश खाली के जरिए बीजेपी ममता बनर्जी पर काउंटर अटैक कर रही है। माना यह भी जा रहा है और नजर भी आ रहा है कि संदेश खाली की घटना ममता के लिए क्या बिगनिंग ऑफ द एंड साबित हो सकती है। 17 साल पहले बंगाल में लेफ्ट का शासन था, उस वक्त लेफ्ट और ममता के बीच सीधा क्लैश था, जो अब ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच में नजर आ रहा है। 15 मार्च 2007 को नंदीग्राम में पुलिस फायरिंग में 17 लोग मारे गए थे और उसके बाद यह आग सिंगूर लालगढ़ होते हुए पूरे बंगाल में फैल गई और इसी आग में लेफ्ट फ्रंट सरकार भस्म हो गई। अब ममता बनर्जी भले ही नंदीग्राम और सिंगूर भूल गई हो, लेकिन बीजेपी इस बात को भली भांति जानती है कि परिवर्तन की चिंगारी कहीं भी लग सकती है। और ऐसे में अब हैरानी की बात है कि जिस लेफ्ट फ्रंट की सरकार को ममता बनर्जी ने दशकों के शासन के बाद उखाड़ फेंका था, उसकी पूरी छाप अब ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के शासन में आपको देखने को मिल रही है। विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं पर हमला, लाठीचार्ज, कटमनी और पुलिस का इस्तेमाल कर विपक्ष को रोकना, ये वो सब आरोप हैं जो कभी लेफ्ट पर उनकी सरकार पर लगाए जाते थे और अब बंगाल की तृणमूल सरकार पर भी लगाए जा रहे हैं। उनके काम के तरीकों में भी ये नजर आ रहा है। संदेश खाली में कुछ ऐसा भी आरोप था ममता सरकार पर बीजेपी की तरफ से लगाए गए थे, जिस तरह की स्थिति हम आपको बता रहे हैं जो लेफ्ट की सरकार में पैदा हुई, जब बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को संदेश खाली जाने से रोका गया। इतना ही नहीं, शाहजहां शेख की बात करें तो उस पर ना केवल महिलाओं पर अत्याचार का आरोप है, बल्कि सरकार और सत्ता के संरक्षण में जमीन हड़पना, मनी लॉन्ड्रिंग करने जैसे कई अपराध उनके ऊपर लगाए गए हैं, कई तरह के आरोप उन पर लगाए गए हैं और लोगों से मारपीट का आरोप भी लगातार उन पर लगता आया है। अब ऐसे में जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि बंगाल में हिंसा और खासकर चुनावी हिंसा हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है और इसको समझने के लिए मैं आपको बहुत पीछे नहीं 7-8 महीने पहले लेकर चलती हूँ, जब पंचायत चुनाव हुए थे। पंचायत चुनाव के कुछ आंकड़े बताने से आपको तस्वीर और साफ, जिसमें पूरे पश्चिम बंगाल में
ना केवल हिंसा हुई बल्कि पॉलिटिकल मर्डर भी हुए। बंगाल के पंचायत चुनाव में स्टेट इलेक्शन कमीशन को 700 बूथों पर फिर से चुनाव करवाने पड़े। 8 जुलाई 2023 को मतदान हुए जिसमें कई हिस्सों में फायरिंग हुई, बमबाजी हुई, बूथ हड़पने, बूथ को लूटने जैसी खबरें भी सामने आई। केवल पंचायत चुनाव में ही नहीं, 15 से अधिक कार्यकर्ताओं की मौत हुई जिसमें टीएमसी के 7, बीजेपी के 2 और सेक्युलर फ्रंट के 2 कार्यकर्ता शामिल थे। लेकिन क्या ऐसा अब हुआ है? नहीं। तो ऐसा क्या है बंगाल के मिजाज में कि लोकल इलेक्शंस में पार्टी वर्कर एक तरह से एक दूसरे की जान लेने और देने पे आमदा हो जाते हैं? आखिर ऐसा क्या है कि बंगाल की राजनीति में पॉलिटिकल वायलेंस के मामले में बंगाल पहले पायदान पर आता है? एनसीआरबी के मुताबिक हर साल बंगाल में 20 पॉलिटिकल मर्डर होते हैं, जबकि अधिकतर पॉलिटिकल मर्डर के खिलाफ ना कोई शिकायत दर्ज होती है और ना ही इसकी कोई कंप्लेन होती है। होती है तो उसका आंकड़ा एनसीआरबी तक नहीं पहुंच पाता। एनसीआरबी का ही डेटा ये कहता है कि 2019 के चुनाव के बाद 50 और पॉलिटिकल मर्डर हुए। दरअसल बंगाल में जब जब सत्ता परिवर्तन हुआ है तब तब खून की नदियां बही हैं। फिर चाहे वो कांग्रेस से लेफ्ट फ्रंट का ट्रांजिशन फेज हो या फिर लेफ्ट फ्रंट से तृणमूल तक का ट्रांजिशन हो, बंगाल की राजनीति में हिंसा के इतिहास को समझने के लिए आपको आजादी के समय लेके चलते हैं। आजादी के पहले का जिक्र करना बेहद जरूरी हो जाता है। आखिर कुछ तो बात रही होगी बंगाल में, बंगाल के मिजाज में, कि अंग्रेजों के खिलाफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही नहीं, इतने क्रांतिकारी नेता वहां से निकल कर आए। लेकिन इसे आज की जिस तरह की राजनीति है, एक दूसरे को मारने पर तुल जाने वाली, जिसे अगर बहुत आम शब्दों में कहा जाए तो घिरी हुई राजनीति का तरीका उसको समझा जाए, एक दूसरे की जान लेने पर जब उतर आते हैं, ऐसी राजनीति से जोड़कर कतई नहीं देखा जा सकता। लेकिन हम क्योंकि पैटर्न बता रहे हैं तो आपको कुछ किस्से सुना रहे हैं। अब बात आजादी के बाद की करते हैं। शुरुआती 30 साल बंगाल में कांग्रेस का शासन था। 1969 के आसपास लेफ्ट फ्रंट ने कांग्रेस की सत्ता को चुनौती दी और दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच खूनी संघर्ष हुआ और यहीं से बंगाल में गन कल्चर की शुरुआत होती है। 1977 तक कांग्रेस ने बंगाल पर राज किया और फिर लेफ्ट फ्रंट सत्ता में आ गया। ये वो दौर था जब जमींदार वर्ग कांग्रेस के साथ था और कांग्रेस को कमजोर करने के लिए लेफ्ट ने कार्डर सिस्टम की शुरुआत, जिसमें पंचायत स्तर पर पार्टी कार्यकर्ताओं को खड़ा किया गया, उन्हें राजनीतिक संरक्षण देकर बाहुबल और अवैध धंधे के जरिए धनबल दिया गया। लेफ्ट जानती थी कि ग्राउंड तक पार्टी को मजबूत कर दशकों तक बंगाल पर राज किया जाना आसान होगा, और ऐसे ही हुआ। ठीक इस तरह से ही लेफ्ट ने काम किया और आपने देखा कि 33 साल लेफ्ट ने राज किया। इसी वजह से आज भी पंचायत चुनाव में इतनी हिंसा होती है। बंगाल में हिंसा के इस कल्चर का शिकार खुद ममता बनर्जी भी हुई हैं। वो 1990 की अगर हम बात करें, उस वक्त ममता कांग्रेस की युवा नेताओं में शुमार थी और खाद्य तेल में मिलावट के चलते कई मौतें हुई और उसी के विरोध में कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। लेफ्ट फ्रंट की सरकार ने बंगाल की राजधानी कलकत्ता में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर गोली चलवा दी और इसी दौरान कम्युनिस्ट पार्टी के आजम ने धारदार हथियार से ममता का सिर फोड़ दिया था, और जिसमें ममता मौत के मुंह से बाहर निकल कर आई, जिसे कहते हैं बाल बाल बचकर आई। अब ऐसी स्थिति में उम्मीद है अब तक आप बंगाल की अहमियत को समझ चुके होंगे। बंगाल में हिंसात्मक संघर्ष और बंगाल के लिए बीजेपी की मेहनत को भी समझ गए। अब यह भी समझना बेहद जरूरी है कि आखिर पिछले चुनाव में 300 से अधिक सीटें जीतने वाली बीजेपी के लिए बंगाल इतना जरूरी क्यों है, और इसे हम 4 पॉइंट्स में आपको आसान भाषा में समझाते हैं। पहला, बंगाल में घुसपैठ की समस्या। दूसरा, बंगाल की सीमा से होने वाली तस्करी। और तीसरा,
केंद्र की योजनाओं को लाभार्थियों तक सही तरीके से पहुंचाना, और चौथा ममता बनर्जी का बढ़ता कद। अब इन चारों मुद्दों पर विस्तार से आपको पूरी बात समझाते हैं। पहला मुद्दा बताया था घुसपैठ। दरअसल अब से ठीक 2 साल पहले आपको याद होगा केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने, गृह मंत्री अमित शाह ने बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ा दिया था और इसकी मुख्य वजह बताई थी कि बांग्लादेश की सीमा से होने वाली अवैध घुसपैठ। चुनाव प्रचार के दौरान भी ये मुद्दा काफी हावी रहने वाला है, अभी भी और पहले भी रहा है जब विधानसभा चुनाव थे। साल 2016 से 19 तक करीब 3000 घुसपैठ के मामले सामने आए हैं और इसे लेकर केंद्र की मोदी सरकार बेहद सजग है। यही वजह है कि केंद्र सरकार CAA के जरिए अवैध तरीके से भारत में रह रहे घुसपैठियों पर कार्रवाई करना चाहती है और ये एक्शन ममता बनर्जी को नागवार गुजरता है। तो दीदी CAA का लगातार विरोध कर रही हैं और राजनीति भी कर रही है। दूसरा मुद्दा भी इसी से जुड़ा हुआ है, तस्करी का मुद्दा। दरअसल बांग्लादेश सीमा के रास्ते सोना जैसी कई धातुओं की तस्करी की जाती है और इतना ही नहीं, इस रूट के जरिए काले धन की मनी लॉन्ड्रिंग भी की जाती है। जानकारी तो ये भी है कि शाहजहां शेख इसी रूट के जरिए राशन घोटाले का पैसा विदेश तक पहुंचाने में कामयाब रहा और इसीलिए ईडी की टीम शाहजहां शेख पर 5 जनवरी को कार्रवाई करने पहुंची थी और जिसके बाद ये सारा मामला सामने आया था। तीसरा मुद्दा, केंद्र की योजनाएं, जो नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी ये मुद्दा है कि केंद्र द्वारा रिलीज कई योजनाएं घर घर तक पूरे देश में पहुंचती हैं या नहीं, जो भारतीय जनता पार्टी का एक नया वोट बैंक है जिसे लाभार्थी कहा जाता है, क्या वो लाभार्थी की संख्या प्रदेशों से बढ़कर आ रही है या नहीं। अब ऐसे में मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि कैसे बंगाल में काडर को मजबूत करने के लिए परंपरा चली और इसी का नतीजा रहा है कि राज्य और केंद्र की योजनाएं जमीन पर उतारी नहीं जा रही। ऐसे में सत्ताधारी दल के जमीनी काडर का रोल बढ़ता चला जाता है। मसलन लाभार्थी कौन होंगे जैसी चीजें या फिर योजनाओं में सेंधमारी, क्योंकि योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन तो स्थानीय अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के जरिए भी होता है। ऐसे में बीजेपी और पीएम मोदी के लिए खुद ये बेहद जरूरी है कि बंगाल में बीजेपी सत्ता में आए ताकि केंद्र की योजनाओं का लाभ सही तरीके से उन लोगों तक पहुंचे, पूरी तरीके से पहुंचे और बेहतर तरीके से वितरित हो, जो इनके हकदार हैं। अब चौथा मुद्दा, ममता बनर्जी का बढ़ता कद बेहद महत्वपूर्ण है। दरअसल ममता बनर्जी का सियासी कद आज की तारीख में बहुत बढ़ रहा है। जनवरी के आखिरी में जब इंडिया अलायंस के सूत्रधार नीतीश कुमार का विपक्ष में से मोहभंग हुआ तो इसके लिए भी कुछ हद तक ममता बनर्जी को ही जिम्मेदार माना गया। ममता बनर्जी बैठक में नहीं आती हैं, नाराजगी होती है, संयोजक नहीं बन पाते नीतीश कुमार और फिर नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर खड़े हो जाते हैं। वहीं बीजेपी ये कभी नहीं चाहेगी कि बंगाल जैसे राज्य में ममता फिर से मुख्यमंत्री बने या 2024 में ममता बनर्जी की छाप नजर आए, क्योंकि भारत की राजनीतिक परंपरा में कई बार मुख्यमंत्री बन जाने के बाद प्रधानमंत्री पद की दावेदारी बहुत मजबूत हो जाती है। साथ ही बीजेपी ये कभी नहीं चाहेगी कि आने वाले भविष्य में, आने वाले कल में कोई भी राजनीतिक लड़ाई मोदी वर्सेस ममता की हो। अब ऐसे में चुनावी साल 2024 का मार्च महीना शुरू हो चुका है और ये वो महीना है जिसमें चुनाव की तारीखों का ऐलान होना है, गठबंधन में दल तय होने हैं और कई नेता अपनी विचारधारा को ताक पर रखकर उन दलों के साथ हो जाएंगे जिस दल की फजीहत वो लगातार 5 साल करते आए हैं और थके नहीं। ये वो महीना है जो आने वाले 5 साल के लिए या कहें कि उससे भी आगे के लिए कई राजनीतिक दिग्गजों का भविष्य तय करेगा। ये वही महीना है जब हम एक से बढ़कर एक दिग्गजों का टिकट कटते देखेंगे, तो कई चौंकाने वाले चेहरों को आगे आते हुए देखेंगे। यही वजह है कि इस महीने के पहले पॉलिटिकल कॉरिडोर में मैं अदिति नागर आपके सामने उस मुद्दे को रखूं जिसमें बात राजनीतिक विचारधारा की हो, जिसमें बात उस आधी आबादी की हो जिसकी ताकत 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाएगी,
बात उस सियासी रणभूमि की हो जहां होने वाली राजनीतिक हिंसा हमारे डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस पर सवाल खड़े करती हो, और बात उन सभी चेहरों की हो जो आने वाले कई सालों तक केवल हमारा और आपका ही नहीं, हमारे हिंदुस्तान का भविष्य तय करेंगे।